हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखिए, दो रोज़ बहुत ही सुंदर से खिले हैं और काफ़ी बड़ा साइज़ है, क्योंकि रोज़ का फ्लावरिंग टाइम होता है विंटर का, तो ये काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और साइज़ भी बड़ा निकल कर आता है। और ये देसी रोज़ बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है इसमें। तो आज मैं बताने वाली हूँ, तो फरवरी स्टार्ट हो गया है, फरवरी में हमें कौन कौन से काम कर लेने चाहिए गार्डन में। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं इस टाइम पर, तो मैं बताने वाली हूँ आज हमें कौन कौन से काम, मतलब कि फरवरी के मंथ में हमें कर लेने चाहिए। बहुत सारे काम हो जाते हैं फरवरी में। तो इधर देखिए, ये जो प्लांट है मेरे, जो ओवर शेप हो गए, मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ इनकी हो गई, लैगी हो गई इनकी स्टेम जो है, तो उनकी मैंने प्रूनिंग करी है। तो ये देखिए, आप भी इस तरह से अगर आपके कोई भी प्लांट जो है ना, बहुत ज़्यादा ग्रोथ निकल कर आ गए, शेप ख़राब रखे और प्रूनिंग का उनको ज़रूरत है, तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हिबिस्कस मेरा प्लांट है, तो इसमें आप इस टाइम प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ इनकी हुई रहती है और प्रूनिंग के बाद जो फिर इनकी ग्रोथ आती है ना, बहुत अच्छी निकल कर आती है। तो इस तरह से जो भी आपके प्लांट हैं, ग्रोथ हो ज़्यादा हो रखी है या इधर उधर स्टेम निकली हुई हैं, तो उनकी जो है आप प्रूनिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो डोरमेंसी से बाहर आते हैं, उनको प्रूनिंग की ज़रूरत होती है, तो उनकी आप प्रूनिंग करें तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी निकल कर आएगी। तो इधर देखिए, कोई भी आपको कटिंग वगैरह लगानी है किसी भी प्लांट की, तो इस टाइम पर बहुत अच्छी कटिंग लगती है। तो ये देखिए, मैंने चंपा की कटिंग लगाई है दोनों ही, तो काफ़ी अच्छे से लग जाती है। फरवरी के मंथ में कोई भी प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हैं, तो कटिंग लगाना भी इस टाइम पे बहुत अच्छा है, तो आप इस टाइम पे कटिंग भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप प्रून करते हैं प्लांट को, तो बहुत ज़्यादा कटिंग इस टाइम पे निकलती भी है हमारे गार्डन में, तो जो है आप कटिंग उनकी लगा सकते हैं। काफ़ी हेल्दी हेल्दी भी होती हैं कटिंग्स, ऐसे नहीं है, तो कटिंग ज़रूर लगाएं इस टाइम पर, कटिंग का बहुत अच्छा टाइम होता है ये। तो ये देखिए, प्रूनिंग के बाद देखिए, मैंने बहुत पहले ये प्रून कर दिया था और अक्टूबर नवंबर में ही किया था मैंने, तो ये देखिए इतनी अच्छी ग्रोथ इसमें जो है निकल कर आ रही है। तो देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि प्रूनिंग के बाद प्लांट की कितनी अच्छी ग्रोथ निकल कर आती है और घना भी हो जाता है हमारा प्लांट जो है। तो कोई फ्लावर प्लांट है फिर अच्छी फ्लावरिंग करता है, ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, घना हो जाता है, ज़्यादा ब्रांच होती है तो ज़्यादा ही फ्लावरिंग होगी, तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है प्लांट पे। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा फाइकस है, तो इन प्लांट को जो है ना आप शेप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर इनकी प्रूनिंग होती है, तो कई सारी टोपियारियाँ भी इनमें निकल कर आती हैं, तो इनको भी जो है आप शेप दे सकते हैं, टोपियारी बना सकते हैं। तो टोपियारी तो हम कभी बना सकते हैं, लेकिन जब प्रूनिंग का टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे क्या है कि हमारे प्लांट बहुत ज़्यादा घने होते हैं, तो उस टाइम पे बहुत अच्छी शेप इनकी निकल कर आती है। यहीं पर देखिए, मेरा एक गुड़ैल का, सॉरी कनेर का प्लांट था, ये भी मैंने प्रून कर दिया है। तो इस तरह से जो है ना, बहुत सारे काम हो जाते हैं गार्डन में। तो यहीं पर देखिए, जो मेरे सिंगोनियम है ये देखिए, तो और भी जो प्लांट होते हैं उनमें देखिए, इस तरह से सूखी पत्तियाँ इस तरह से निकल कर बहुत सारी निकली हुई रहती हैं, तो इनको भी जो है अपने प्लांट से ज़रूर रिमूव कर दें, क्योंकि ये बेकार में एनर्जी खींचती रहती है प्लांट की। तो इनको भी जो है आप क्लीनिंग कर लें, पॉट में भी बहुत सारी ऐसी पत्तियाँ भी गिरी होती हैं, तो इनको भी आप निकाल कर बाहर कर दें इस टाइम पे, और जो है प्लांट आपका अच्छा लगेगा। लैगी हो रखा है तो इसकी प्रूनिंग कर दें। ये भी क्या है कि बहुत ज़्यादा लैगी हो जाती हैं, तो इनको इस टाइम पे प्रूनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो इनको भी प्रूनिंग आप कर सकते हैं। तो पत्तियाँ ज़रूर रिमूव कर दें, येलो पत्तियाँ जो होती हैं, देखिए इस तरह से येलो बहुत ज़्यादा निकलेंगी इस टाइम पर, क्योंकि अब जो है ना सर्दी के मारे होते हैं, तो सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, और ये जो है ना, जैसे जैसे गर्मी आती है वैसे वैसे इनका जो डोरमेंसी पीरियड ख़त्म होता है, तो ये अपनी पुरानी पत्तियाँ गिराते रहते हैं और जो नई पत्तियाँ हैं वो इनमें आती रहती हैं। तो पुरानी पत्तियों को अपने आप हमें रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप ही धीरे धीरे येलो हो जाएंगी, तो उन्हें जो बहुत ज़्यादा येलो हो रही है उनको निकाल दें अभी प्लांट से। तो देखिए, बहुत सारे इस तरह से लंबे लंबे ब्रांच हो रखे हैं, तो इनको कट कर दें। और यहाँ पे देखिए, आप देखिए कितने सारे फुटाव इसमें दिख रहे हैं आपको, हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, तो ये जो बहुत सारी ब्रांच जो इसमें फुटाव कर रही हैं वो निकल कर आएंगी। तो ये क्या है, हमारा प्लांट जो है ना शेप भी बहुत अच्छी हो जाएगी इसकी, बहुत ज़्यादा लगी सौ रहा है कि कैसे फैला हुआ है ये, तो इसको इस तरह से प्रूनिंग ज़रूर कर दें इनकी। तो ये प्रूनिंग इसीलिए ज़रूरी है कि प्लांट घना हो जाए, सुंदर हो जाए, और जो है उसकी ओवर ग्रोथ जो है ना फैले ना इधर उधर, तो प्लांट के एक शेप में रहता है तो बहुत सुंदर लगता है, तो इसलिए ये प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे स्पाइडर प्लांट है, हैंगिंग प्लांट, तो इसकी देखिए मैंने क्लीनिंग करी थी, तो ये देखिए कितना कचरा यहाँ पर निकला है इसका सारा ही। तो जो भी आपके हैंगिंग प्लांट हैं उनकी प्रूनिंग कर दें, और अगर आप कटिंग भी लगा लें तो कटिंग से बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे ही इसके रनर्स जो है ना क्लीन कर दिए हैं, तो काफ़ी अच्छे फ्रेश फ्रेश से लग रहे हैं, प्लांट भी हेल्दी लग रहा है। देखिए, पूरा मैंने क्लीन कराया है अभी थोड़ी देर पहले ही। तो यहाँ पर देखिए एक और है, तो ये देखिए बिना क्लीनिंग के कैसे लग रहा है, बिल्कुल भी इसकी ब्यूटी बिल्कुल ख़राब हो रखी है। इसको जैसे ही मैं क्लीन कर दूँगी तो बहुत सुंदर लगेगा, हेल्दी लगेगा, और इसके रनर्स जो है ना इनमें बहुत सारी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, कुछ तो मैंने इसमें निकाल दी हैं, कुछ देखिए इस तरह से छोटी छोटी पत्तियाँ जो है ना इसमें पीली होती रहती हैं, तो इनको रिमूव कर दें, प्लांट जो है ना बिल्कुल ग्रीन लगेगा, हेल्दी लगेगा हमारा। तो इनको जो है बहुत सेफली हमें रिमूव करना है, एक हाथ से हमें रनर्स को जो है पकड़ना है, एक हाथ से हमें पत्तियाँ निकालनी है, तो दोनों हाथों से इसमें काम होगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखिए, इस तरह से छोटी छोटी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इनको जो है बहुत सेफली हमें हटाना है प्लांट से, नहीं तो ये जो रनर्स होते हैं ना वो टूट जाते हैं एक हाथ से खींचने पर, तो दोनों हाथों से इसमें काम होता है। तो जो है इस तरह से मैंने क्लीनिंग करी, तो ये देखिए इसकी भी अभी क्लीनिंग रह रही है। देखिए, काफ़ी सारी पत्तियाँ इस तरह से पीली हो रखी हैं, तो पीली होने के बाद जो है इनको हटा देना है हमें बस। तो देखिए, इस तरह से जो आपके कोई प्लांट रूट बाउंड हो रखे हैं, देखिए किस तरह से ये पूरा रूट बाउंड हो रखा है,
तो इनको भी हमें जो है आप इनको डिवाइड करके लगा सकते हैं और इनको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हैंगिंग छोटी पड़ रही है, तो आप इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें। तो हैंगिंग प्लांट है ये, तो इसको बड़े पॉट में हैंग हम कर भी नहीं सकते, तो इसके छोटे पॉट में ही आप या तो इसको डिवाइड कर दें या फिर इसको प्लांट को ही हटा दें। और इस तरह से ये रनर्स है ना, उनको आप जो यहाँ से कट करके जो आप दूसरे प्लांट बना सकते हैं। तो इससे मुझे ढेरों प्लांट बन जाएंगे। देखिए इस तरह से इसमें जड़ें होती हैं, ये देखें काफ़ी हेल्दी होती है रनर्स में, इन्हीं से इसको ग्रो किया जाता है, हैंगिंग प्लांट है। तो इनको जो है आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं इस टाइम पे। तो ये देखिए मैंने सभी की क्लीनिंग करी हुई है, इनमें भी बहुत ज़्यादा देखिए इस तरह से सूखी पत्तियाँ हो जाती हैं, इनकी मैंने क्लीनिंग कई दिन पहले ही कर दी थी। तो इनको जो है इसी तरह से देखिए आप इनको, ये चेन प्लांट है तो इसको भी देखिए या तो आप रिपोर्टिंग कर दें या फिर नए नए प्लांट आप बनाओगे तो इनकी जो है ग्रोथ बहुत जल्दी निकल कर आती है। इस तरह से देखिए बहुत सारे प्लांट लगे हुए रखे हैं, तो इनकी जो है ना आप कटिंग कर सकते हैं और नए प्लांट लगा सकते हैं। तो हैंगिंग तैयार कर लीजिए फरवरी में, क्योंकि इनका टाइम आ गया है जो डोरमेंसिंग प्लांट थे, तो हैंगिंग भी आप जो है तैयार कर सकते हैं। तो यहीं पर देखिए मैंने सारे प्लांट मेरे प्रून कर दिए हैं, इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने कौन कौन से काम किए थे। तो ये देखिए उसके बाद मैंने कटिंग लगा दी है सारी प्रूनिंग के बाद, देखिए इस तरह से बहुत सारी कटिंग मैंने लगा दी है। जो भी लगेंगी तो बहुत सारे प्लांट हमको मिल जाएंगे इस तरह से, अगर हमारी कटिंग जो है ना लग जाती है। तो ये देखिए सभी कटिंग मैंने लगा दी है जो भी मैंने प्रून करे थे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो भी सूखी पत्तियाँ आपके पॉट में पड़ी हुई हैं उनकी क्लीनिंग कर लें बिल्कुल, और क्लीनिंग के बाद जो है ना इनकी जो है बहुत सारी पत्तियाँ इस टाइम पे झड़ती हैं, तो इनकी क्लीनिंग कर लें पॉट की। और क्लीनिंग के बाद क्या है कि इसकी गुड़ाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मिट्टी कितनी गीली है, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में गुड़ाई नहीं करनी है, तो इनकी जो हल्की हल्की गुड़ाई कर दें आप। तो गुड़ाई करने के बाद इसको एक दो दिन छोड़ दीजिए, तो ये मिट्टी सूख जाएगी और इसमें जो है आप फर्टिलाइज़र मिक्स कर सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद इस टाइम पर यही दें आप, तो उसके लिए जो है बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है ये। तो उस टाइम पे ये काम आप जरूर करें, गुड़ाई करें प्लांट की। तो ये देखिए सारे ही मेरे जो है ना रूट बाउंड भी हो रखे हैं कुछ प्लांट, ये देखिए सारी जड़ें इनकी ऊपर आ रखी है। तो इनको जो मैं रिपोर्टिंग करनी है, मुझे बहुत सारे प्लांट हैं मेरे पास ऐसे जिनकी मुझे रिपोर्टिंग करें। और ये देखिए मनी प्लांट, मनी प्लांट को भी आप जो है ना ये जो पत्ती है ना पहले वाली सब धीरे धीरे गिर जाएंगी और इसकी जो है ना ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। तो इससे अच्छा आपको इसको बिल्कुल जड़ से प्रून कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से जो है प्रूनिंग कर दी मनी प्लांट की एक पॉट में, तो इसी तरह से आप जो है ना मनी प्लांट की प्रूनिंग कर लें तो ये बहुत ही अच्छे से हेल्दी रहेगा। नीचे से इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ निकल कर आएगी आपके प्लांट की, पूरा पॉट बहुत जल्दी भर जाएगा और बिल्कुल हरा लस ग्रीन लगेगा, हेल्दी लगेगा और सुंदर भी लगेगा। तो इस टाइम पर आप इसको बिल्कुल प्रून कर दें जैसे आपको मेरे पॉट में दिख रही है ऐसे ही, और हो सकता है इसमें बीच में आप जो है मॉस स्टिक लगा दें अगर नहीं लगा रखी है, तो उस पर क्या है कि सारी नई ग्रोथ जो होगी ना उस पर आप उसको बांध दीजिए, तो बहुत अच्छे से आपका जो प्लांट सुंदर लगेगा। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे काम होते हैं गार्डन में जो हमें करने होते हैं बहुत ज़्यादा, तो बस दोस्तों ये सारे काम आप कर लीजिए थोड़े थोड़े। और जब आप गार्डनिंग करते हो खुद से काम करोगे तो आपको खुद ब खुद काम दिख जाते हैं कि कौन कौन से हमें प्लांट में क्या क्या काम करने हैं। तो बस दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों।